अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन पॉट पाए। बकरहानी चाहिए आपको इसके लिए 3 पीसेस। मक्खन आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। मैदा आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। फ्रेश क्रीम आपको चाहिए 1/2 कप। दूध आपको चाहिए 1.5 कप। गार्लिक पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। क्रश रेड चिल्ली भी 1 टीस्पून। चिकन चंक्स आपको चाहिए 1 कप। बॉयल्ड मैक्रोनी 1/2 कप। कैबेज 1/2 कप। बॉयल्ड कॉर्न 1/2 कप। कैप्सिकम 1/2 कप। 1/4 कप मशरूम्स। मिक्स चीज चाहिए आपको 1 कप। पैन में सबसे पहले हम बटर ऐड करेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और मैदा डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। मैदा जब अच्छे से पक गया, हमने इसमें दूध शामिल कर देना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और गार्लिक पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें चिकन चंक्स ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें कैबेज ऐड कर देंगे, कॉर्न्स, कैप्सिकम और लास्ट में मशरूम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें बॉयल्ड मैक्रोनी ऐड करेंगे, मिक्स चीज़ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर सॉस थोड़ी ड्राई लगेगी तो हम इसमें 1/2 कप मिल्क और ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ओवन प्रूफ डिश ले लेंगे और उसमें बकरहानी को लेयर दे देंगे। पहले हम एक लेयर लगा लेंगे और उसको सेट कर लेंगे। अब जो हमने फिलिंग रेडी की है, हम वो सारी इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून से बचा लेंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, फिर इस पे चीज़ ऐड करेंगे और दोबारा बकरहानी की लेयर लगा देंगे। और जो लास्ट पे हमने 2 टेबल स्पून से सॉस बचाई थी, हम वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसको लास्ट पे हम अच्छे से चीज के साथ कवर कर देंगे। अब जो फ्रेश क्रीम बचाई थी हमने 1 टेबल स्पून, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टोटल 1 कप चीज हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब लास्ट में हम इसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड क्रश रेड चिल्ली ऐड करेंगे और इसको 180 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। चिकन पॉट पाई बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।